guys. Each of capacitance 2 microfarad. Each of capacitance 2 microfarad. Are to be connected in a configuration to obtain an effective capacitance of 10 by 11 microfarad. 10 by 11 microfarad, itna chahiye. Yes sir, suggest a suitable combination to achieve the desired result. हाँ हाँ. सीरीज एंड पैरेलल में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को 7 को है ना अरेंज करना है. सोचो जरा, सोचो कैसे इसको सॉल्व करें. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं. फाइव पैरेलल में टू सीरीज में एन मान के बनाएंगे. N रहता ना, कि अगर यहाँ इवन रहता ना तो सीरीज और पैरेलल में हम लोग यानी N ले लेते. लेकिन समझे, इसमें खुद से है ना थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा. कोई बोले ना 5 पैरेलल अगर लगा दें हम लोग तो 10 हो गया, और फिर 2 सीरीज लगा देंगे सोचते. ये सब जो पांचों है, ये पांचों अगर पैरेलल में है तो 10 हो गया, और फिर 2 सीरीज में है 1/10 और 1/4 इज 1/C इक्विवेलेंट. नीचे में हो गया 20, अब यहाँ कितना 2 और यहाँ कितना 5 इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20/7 आ रहा है. ये नहीं हुआ जी, नहीं हुआ. थोड़ा ऐसे सोचो, ये 5 है सीरीज में, अगर 5 सीरीज में है तो क्या ये 2/5 हो गया, और फिर 2 है सीरीज में तो क्या ये 2/2 हो गया, फिर दोनों है पैरेलल में. अगर ये पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो गया. C equivalent is equals to 2/5 + 2/2. नीचे में ले लिया हम लोग 10, 5 to 10, इधर कितना हो गया 4, और वहां कितना हो गया 5. तो मेरा C equivalent आ रहा है 9/10. सर अगर वो फर्स्ट में जो
सीरीज में लगा देंगे ये सर पांच पैरेलल में और वो दोनों को सीरीज में, तो वन आ जाएगा हाफ प्लस हाफ। हाँ ठीक है मान लीजिए, तो यहाँ तो वही किए ना, वहाँ पे 1/4 लिए ना, तो उसको हाफ प्लस हाफ दोनों को पैरेलल में अगर कर देंगे तो 1 आएगा, फिर 1+3 फर्स्ट वाला। इन दोनों को क्या करें सीरीज में? ठीक चेक कर लेते हैं, ये तो सीरीज बोले थे। हाँ ठीक ठीक हो सकता है, बिल्कुल सही सोच रहे आप, ऐसे ही पॉसिबिलिटी बनाना होगा जी। यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हम लोग 10 बाई 10, तो 1/Cequivalent is equals to 1/10 plus 1/2 plus 1/2। एकदम सही बोले जी, एकदम सही बोले, यही आंसर है। 1/10 plus 1, so it is 11/10, या फिर Cequivalent is equals to 10/11, very good, एकदम सही। कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक, देखो डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है, डायलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इंसुलेटर। डायलेक्ट्रिक का एक दूसरा वर्ड अगर बोला जाए तो इंसुलेटर, इंसुलेटर। बेसिकली डायलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, डायलेक्ट्रिक मतलब एक स्लैब जैसा समझ लेना, जैसे लकड़ी का एक पीस, जैसे माइका का एक सीट, ठीक है ना, तो वैसा पर्टिकुलर स्लैब डायलेक्ट्रिक के अंदर आता है, जैसे कार्डबोर्ड, ये सब डायलेक्ट्रिक। जब कोई आप डायलेक्ट्रिक लेते हैं तो डायलेक्ट्रिक अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो एटम और मॉलिक्यूल के बेसिस पे डायलेक्ट्रिक को आप दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक, नेक्स्ट इज कॉल्ड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। सो हमारे पास है डायलेक्ट्रिक का दो टाइप, वन इज कॉल्ड पोलर डायलेक्ट्रिक। पोलर डायलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर के मॉलिक्यूल्स के पास प्लस और माइनस करके पोलारिटी होता है, प्लस और माइनस करके उसके अंदर पोलारिटी डेवलप होता है। लेकिन हर एक एटम के पास each constituent molecule have some dipole। हर किसी के पास डायपोल होता है, मतलब प्लस माइनस करके डायपोल बना रहता है। बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो हम लोगों का नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो होता है, इसको कहते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक। इसमें प्लस और माइनस का सेंटर अलग अलग होता है। दूसरा देखो, That is called non-polar dielectric। Non-polar dielectric वो होता है जिसमें हर एक एटम का प्लस के चारों तरफ माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्लस के चारों तरफ माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट ऑफ एटम जीरो होता है। ईच मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, हर मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। यहां पे क्या था कि हर एक मॉलिक्यूल पोलर था लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन था, इधर उधर ये वेक्टर उसको कैंसिल करा, ये वेक्टर उसको कैंसिल करा, सब रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से उसका रिजल्टेंट जीरो था। यहां क्या है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में ही कोई डायपोल नहीं है, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में ही कोई डायपोल नहीं है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। अब आप ये सोचिए कि जब आप When dielectric
स्लैब इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस होता है, देखो ये रहा मेरे पास कैपेसिटर का दो प्लेट. मान लो भाई ये प्लेट है पॉजिटिव, ये प्लेट है नेगेटिव. तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. अब आप क्या किए, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब लगा दिए. समझते जाना एक एक लाइन. अब ये जो डाइलेक्ट्रिक का स्लैब है, ये जो आपको डाइलेक्ट्रिक का स्लैब दिखाई दे रहा है, इसके एटम्स इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचो. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ इसको पुश करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लस को भी राइट की तरफ धकेल देगा, माइनस को लेफ्ट की तरफ. हर एक एटम के अंदर, हम एक एक एटम के अंदर बात कर रहे हैं, हर एक एटम के प्लस को राइट में और माइनस को लेफ्ट में धकेल देगा. इसके सारे प्लस को राइट में और माइनस को लेफ्ट में कर देगा. कहना ये चाहते हैं कि जब आप किसी एक्सटर्नल बी फील्ड के अंदर किसी डायलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं, तो चाहे वो स्लैब पोलर डायलेक्ट्रिक का हो या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक का हो, उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट में चला जाएगा, लाइक दैट. देखो ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, हम हर मॉलिक्यूल को आपके सामने बना रहे हैं, हम हर मॉलिक्यूल को आपके सामने बना रहे हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल का प्लस और माइनस को अगर तुम ध्यान से देखेगा तो हर मॉलिक्यूल का प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, हर मॉलिक्यूल का प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और माइनस उसके अपोजिट में जाने का कोशिश करेगा. क्या ये फिगर आप सबको समझ में आ रहा है? तो डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो लेफ्ट वाला फेस है वो निगेटिव होगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो राइट वाला फेस है वो पॉजिटिव होगा. क्या आपको ये फिगर समझ में आ रहा है? क्या इसमें मूवमेंट नहीं होगा? फिर से एक बार और बोलो कसके भाई. इसमें मूवमेंट नहीं होगा. ये क्या है? अब बोल. कुछ नहीं सर. तो फिगर ऐसा कि यहां प्लस 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 प्लस, यहां माइनस 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 माइनस, इसको एक्चुअल चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू कह दो. बीच में है अपना स्लैब, इस स्लैब के लेफ्ट वाले फेस पे माइनस 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 माइनस, राइट वाले फेस पे प्लस प्लस प्लस, यहां से इसको कह दिए माइनस क्यू इंड्यूस्ड, इसको कह दिए प्लस क्यू इंड्यूस्ड. समझ गया ना इंडक्शन वाला? अब यहां ध्यान देना, इस चार्ज की वजह से लेफ्ट से राइट ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप ई एक्सटर्नल कहेंगे, ई एक्सटर्नल E नॉट के बराबर. ओके अब जरा खाली स्लैब को देखो, स्लैब में राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ स्लैब का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. यस सर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट में है. क्या सही है? yes, याद रखिएगा, आप पढ़ें ऐसा, सिंस Q induced का जो मैग्नीट्यूड है वो जो एक्चुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड है उससे कम या बराबर होता है, सही है? Yes, sir. तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम या बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है उसके होगा. क्या ये समझा? Yes, sir. अब जरा स्लैब के अंदर जाओ, इनसाइड इलेक्ट्रिक, इनसाइड डायलेक्ट्रिक अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर निकालेंगे
तो वो E external और E induced का वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम होगा, वहां दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का वेक्टर सम। बट डायरेक्शन वाइज अगर जाइए, अगर आप मैग्नीट्यूड देखिएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड देखिएगा तो E के एक्सटर्नल वाले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसको माइनस ना करना पड़ेगा। माइनस क्यों कर रहे बोलो? डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। सो एक बात तय है, क्या तय है सर? कि जो मैग्नीट्यूड हमारा मीडियम के अंदर आ रहा है वो E एक्सटर्नल के मैग्नीट्यूड से कम ही होगा। क्या बोलता है? अरे हमेशा कुछ ना कुछ माइनस तो होगा, तो हमेशा E एक्सटर्नल से मीडियम के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम ही होगा। और पता है कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम? E नॉट बाई के, याद है आपको? जहां E नॉट क्या है, तो E नॉट यहां देख लो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जरा रुकिएगा, यहां समझिएगा आप लोग सब कोई फिगर वाइज। ये मान ले प्लस है, ये माइनस है, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, छोड़ो अभी नहीं बनाए, ठीक है। अब हम लोग इसके बीच में स्लैब ड्रॉ करते हैं। इसके बीच में हम लोग स्लैब बनाते हैं। स्लैब का ये फेस होता है नेगेटिव और ये फेस होता है पॉजिटिव। अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहे हैं उसको देखना। यहां हवा है एक्सटर्नल तो ये E नॉट है, यहां भी एयर है तो ये E नॉट है, समझा सब कोई? और अंदर में इस डायरेक्शन में है E नॉट बाई के, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम कहते हैं। क्या सबको ये फिगर समझ में आ रहा है? अंदर में इधर क्यों हुआ बोलो? क्योंकि अंदर में दो फील्ड था, अंदर में दो फील्ड था, एक था E एक्सटर्नल और एक था E इंड्यूस्ड। लेकिन E एक्सटर्नल बड़ा है, तो जब हम इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में सब्सट्रैक्शन करेंगे तो बड़े वाले के डायरेक्शन में ना नेट फील्ड बचेगा। यस सर। क्या सबको समझा? क्या आप लोग सबको समझे? यस सर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इनसाइड स्लैब इनेट एक्चुअली E नॉट बाई के है इन डायरेक्शन ऑफ E एक्सटर्नल। डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E नॉट बाई के है, लेकिन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नोट करो फिर और आगे बताएंगे। नोट करो यार। तेरा देखना यार ध्यान से, फिगर्स पे ही बस ध्यान रखो। तो देखो अभी हम लोगों का फ्रेश कुछ डायग्राम ऐसा है कि चलो भाई ये हम लोगों का एक कांस्टेंट और यहाँ बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका इंडक्शन का माइनस क्यू इंड्यूस्ड है, ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यहां से इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, दिस इज E नॉट, यहां से इधर, यहां से इधर, ये E नॉट बाई के और फिर से यहां से इधर, ये E नॉट है। अभी एक डायलेक्ट्रिक स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब, डायलेक्ट्रिक स्लैब का कहानी ये होता है कि जो इसमें Q इंड्यूस्ड है वो एक्चुअल चार्ज से छोटा होता है।
तो जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस्ड वैल्यू है वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होता है, इसलिए अंदर का ई नेट ई नॉट बाई के होता है। लेकिन सोचो अगर अंदर में कोई एक मेटालिक प्लेट डाल दिया जाए, ये मान ले प्लस 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 या माइनस माइनस माइनस, और यहां पे कोई एक मेटालिक प्लेट ले लें, तो इसमें अगर प्लस क्यू है ना तो इस पे इक्वल माइनस क्यू और इस पे इक्वल प्लस क्यू इंड्यूस्ड होगा, इसमें माइनस क्यू इस पे प्लस क्यू और फिर यहां माइनस क्यू, मतलब अगर मेटालिक प्लेट होता है तो इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और एक्चुअल चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो ये याद रखना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एक्चुअल जो हमारा ई नॉट है उसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अच्छा अगर दोनों का बराबर हो जाए, दोनों अपोजिट में है, तो अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। ई नेट बिकम जीरो। सो ऐसे केस में क्या बनेगा, यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट लेकिन अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो, ठीक है, मेटालिक प्लेट है जीरो, डायलेक्ट्रिक है, तो ये रहा फिगर। क्या किसी को डाउट कुछ समझने में? ठीक सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। जब भी तुम कोई एक मेटालिक कंडक्टर लेगा ना, तो मेटालिक कंडक्टर पे एक्चुअल चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज का वैल्यू सेम होता है, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और एक्चुअल चार्ज की वजह से जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हम लोग एक प्रीवियस फिगर में देखे थे ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, बोलो याद है पिछला फिगर यहां जो बनाया था? यस सर। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो रिजल्टेंट जीरो होगा ना? यस सर। वही अंदर, ठीक है? यस सर। ऐसा चीज, कहीं कोई दिक्कत समझने में इसमें? और एक टर्म अराइज होता है दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझना, कोई एक डायलेक्ट्रिक का स्लैब है और उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायलेक्ट्रिक के स्लैब का जो डायलेक्ट्रिक का मॉलिक्यूल होगा उसका प्लस इधर माइनस इधर होगा, सही है? एक लाइन हम बोलते हैं, जरा सुनना, फिजिक्स का लैंग्वेज है, थोड़ा समझिएगा। इन केस ऑफ डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज सेंटर shifted in direction of, in case of dielectric molecule positive charge center shifted in direction of E external। हमेशा जब भी आप किसी dielectric slab के ऊपर field apply करेंगे ना, तो dielectric molecule का जो positive charge center होगा वो applied electric field के direction में जाएगा और negative उसके opposite में। applied electric field तो negative इधर जाएगा, positive इधर। क्या आप समझ पा रहे हैं बात? Yes, sir। ठीक, अब जरा गौर कर, ये मेरा डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल है, जब आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो प्लस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ फोर्स लगाएगा प्लस पे, और माइनस को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या सही है? Yes, sir। अब होगा क्या, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सटर्नल इंक्रीजेस, magnitude of F positive and magnitude of F negative increases, सही है ना? तुम electric field बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जो plus पे force है और minus पे force है दोनों बढ़ते जाएगा,
देख मॉलिक्यूल धीरे धीरे कैसे अपने आप को डिफॉर्म करेगा, ऐसा रहेगा शुरू में प्लस माइनस, चल भाई प्लस को इधर खींच रहे माइनस को इधर, अब उसके बाद थोड़ा सा टूटने टूटने के कगार पे आ जाएगा, क्या बोलता है समझा? थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, टूटने टूटने के एकदम कगार पे पहुंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा? थोड़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा टूट जाएगा, क्या बोलता है? क्या आपको समझ में आया? दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अप टू विच डायलेक्ट्रिक डज नॉट गेट ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है टूटना, जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई डायलेक्ट्रिक अपने अंदर टॉलरेट कर लेता है, झेल लेता है, वहां तक डायलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल टूटता नहीं है, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या आपको यह समझ में आया डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी सस्टेन्ड बाई एनी मीडियम विदाउट डायलेक्ट्रिक, विदाउट डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी मीडियम का वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको मीडियम अपने अंदर सस्टेन कर लेता है, झेल लेता है बिना ब्रेकडाउन के। एयर का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। बता जरा इसका मतलब, अगर एयर में 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एयर उसको रोक लेता है, लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से ज्यादा होता है तो एयर आयनाइज हो जाता है। अभी देखिए बरसात का मौसम है, थोड़ा देर में देख लीजिएगा अगल बगल में भी आप देख सकते हैं बिजली चमकने लगता है, मतलब ऊपर से नीचे बिजली गिरता, समझे? देखा है नहीं? देखा है बिजली चमकता, बिजली गिरते, ये सब नहीं देखा है? लाइटनिंग ये सब नहीं देखा है? लाइटनिंग देखे हैं, बिजली चमकना, बिजली गिरना, ये सब बात? यस सर। तो देख होता क्या, एक्चुअली जो ऊपर का क्लाउड है और नीचे अर्थ है, ऊपर का क्लाउड चार्ज होने और अर्थ के चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे डेवलप रहता है, हमेशा क्लाउड से अर्थ की तरफ होता है, हर जगह होता। अब सोच अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से ज्यादा हो जाता है, जिस जगह पे होता है, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम से ज्यादा होता है वहां चार्ज आयनाइज कर जाता, क्लाउड का जो चार्ज होता है वो फ्लो करके अर्थ में चला जाता है। क्या आप समझे? यस सर। दिस इज डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। चलिए नोट कीजिए, फिर और आगे बढ़ते धीरे धीरे, नोट कीजिए फटाफट। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विथ डायलेक्ट्रिक, डेरिवेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डायलेक्ट्रिक स्लैब,
मान लो जैसे हम लोगों के पास एक कैपेसिटर है, ये उसका पॉजिटिव प्लेट, ये उसका नेगेटिव प्लेट। अब भाई इस पे आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव, इससे लेके यहां तक के बीच का डिस्टेंस d, ये डायलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है t, ये डायलेक्ट्रिक। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड का है, यहां प्लस है यहां माइनस है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोगों का E नॉट, और यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट बाय K, और यहां से यहां फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट। तो हम लोग का काम क्या है, जैसे हम लोग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी यहां गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे, फिर कैपेसिटेंस लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। सो याद करो, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ई डॉट डी आर से लेते हैं। हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, और इस ई डॉट डी आर को दो पार्ट में लिखना है। एक लिखना है ई नॉट डॉट डी आर, और एक लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम एंड डी आर। मतलब एक बार हवा में और एक बार मीडियम के अंदर। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इज माइनस ई नॉट इंटीग्रेशन डी आर माइनस ई इन मीडियम इंटीग्रेशन डी आर। समझ रहा सब कोई? yes, तो चलो जरा सोचो, क्या हम लोग उस मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे E नॉट बाई के लिख दें? yes, sir. अब लिमिट देखना और समझना। इस प्लेट का लिमिट है पोटेंशियल के लिए V, और इस प्लेट का लिमिट है पोटेंशियल के लिए जीरो, तो लिमिट चलेगा V से लेके जीरो तक। अब डिस्टेंस में देखना, मीडियम का जीरो से T, जीरो से T मीडियम का जीरो से T, तो जो एयर के लिए खाली जगह बच गया, जो एयर के लिए खाली जगह बच गया, क्या वो जीरो से डी माइनस टी होगा? यस सर। सब कोई सोच लो, यही सबसे डिफिकल्ट चीज है, क्या तुमको ये समझ में आया? एयर के लिए खाली जगह बच गया जीरो से डी माइनस टी। अरे नहीं समझा? बीच का डायलेक्ट्रिक का थिकनेस हटा देना है, तो जो जगह बच गया वो d माइनस t है एयर के लिए। तो यहां हो गया 0 माइनस v माइनस e नॉट dr का r, 0 से d माइनस t माइनस e नॉट बाय k dr का फिर से r, 0 से लेके t तक। माइनस 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 कैंसिल, v इज इक्वल्स टू e नॉट d माइनस t प्लस e नॉट बाय k t। इसमें से e नॉट बाहर, d माइनस t प्लस t बाय k। e नॉट का मतलब है इन प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हम उसको लिखते हैं? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस t बाय k। So, V will be equals to sigma के जगह पे आप लिख सकते हैं Q by A epsilon naught, अंदर है D minus T plus T by K। चलो भाई V मिल गया। Now, अगर हमको capacitance चाहिए तो Q by V करेंगे, Q V के जगह पे Q
क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट बी माइनस टी प्लस टी बाई के क्यू और क्यू कैंसिल देन सी विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. ये रहा कैपेसिटेंस का इक्वेशन विथ डायलेक्टिक. ये रहा कैपेसिटेंस का इक्वेशन विथ डायलेक्टिक एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के. यहाँ टी किसको स्टैंड करता है? मैट्रिक स्लैब. वेयर टी इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब. वो डायलेक्ट्रिक स्लैब के थिकनेस को दिखाता है. ठीक है. अभी मान लो अगर ये पूरा का पूरा स्पेस डायलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर ले, इफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय डायलेक्ट्रिक, तो क्या ये टी डी के बराबर हो जाएगा? बोलो नहीं होगा? डी माइनस डी प्लस डी बाई के, तो आपके कैपेसिटेंस का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट के बाई डी. एप्सिलॉन नॉट के बाई डी. ठीक है. अब और आगे देखो. इफ कंडक्टिंग प्लेट इज यूज्ड डायलेक्ट्रिक, कंडक्टिंग प्लेट अगर डायलेक्ट्रिक के जगह पे यूज है, तो क्या उसका के हम लोग इनफाइनाइट पुट करेंगे? Yes. तो टी में इंफिनिटी से डिवाइड देगा, खत्म. तो सी का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी. ये रहा हम लोग का सी का वैल्यू. समझे आप? सही है. Yes, नोट करो यहां तक, फिर और आगे बढ़ते हैं. फटाफट नोट करो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये. डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. तुमने लिखता ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसा. गुड. तो देख ये है. हाँ, तो हम लोग को इस, अच्छा ये बता जरा, इसको देख के बता, ये कैपेसिटेंस बढ़ा है कि घटा है? घटा है सर. अरे बढ़ गया यार, डिनोमिनेटर में घट गया. डिनोमिनेटर छोटा हो गया. हाँ, तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. ये भी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस है, ये भी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस है. कैपेसिटेंस इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में माइनस हुआ है. बोलेगा सर देखिए माइनस है तो प्लस भी आ रही है, प्लस में कुछ डिवाइड है तो छोटा है. समझाइए, डिनोमिनेटर छोटा हो गया. क्या हो गया सबका? खत्म हो गया. चलो देखो ध्यान से. मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक कैपेसिटर है, प्लेट्स का सेपरेशन डी है और ये अर्थिंग है. ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है. प्लेट का एरिया ए है, तो आप कैपेसिटेंस लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अब देखिए, मान लीजिए इसके अंदर कुछ इस तरह से डायलेक्ट्रिक स्लैब को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? तो बीच का जो टोटल डिस्टेंस था ना, उसमें आप दो ऐसे ऐसे स्लैब इसके अंदर फिट कर दिए. ये एक स्लैब है जिसका डायरेक्टिक कांस्टेंट K1 है और ये दूसरा स्लैब है डायरेक्टिक कांस्टेंट K2 है. इधर से इधर की तरफ सोचना है लाइक दैट, इस पॉइंट से इधर की तरफ. सॉरी, देख के बताओ यहां पे दो कैपेसिटर बना है.
एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है सीरीज में, C1 एंड C2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, C1 एंड C2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको एक आइडिया देते, कभी भी अगर स्लैब डालने से कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो डिवाइड हो, देख डिस्टेंस डिवाइड है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D2, डिस्टेंस अगर डिवाइड हो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या हम C1 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई D1 लिख सकते हैं? यस सर। और C2 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई D2 लिख सकते हैं? तो जब भी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर डिवाइड हो तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दूसरा देखो, इस बार लेफ्ट और राइट प्लेट के बीच एरिया डिवाइडेड है, ऊपर में एक मीडियम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, नीचे में एक दूसरा मीडियम है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, तो एरिया डिवाइड है, इस एरिया को A1 कह दिया और इस एरिया को A2 कह दिए। तो ये ध्यान रखना, ये C1 है एप्सिलॉन नॉट K1 A1 बाई D, ये C2 है एप्सिलॉन नॉट K2 A2 बाई D, और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो एरिया अगर डिवाइड हो, प्लेट का एरिया अगर डिवाइड हो, प्लेट का एरिया अगर डिवाइड हो तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और अगर प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डिवाइड हो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। तो जरा बताइएगा इसको देख, ये K1, ये K2, ये K3, यहां से यहां तक AX, यहां से यहां तक AY, ये डिस्टेंस D1, ये डिस्टेंस D2, टोटल डिस्टेंस D, बोलो कौन कौन सीरीज में, कौन पैरेलल में? वेरी गुड, K2 K3 सीरीज में K1 पैरेलल। तो ऊपर में एक बना दिए C1 और नीचे में दो बना दिए C2 एंड C3, क्या सही है ना फिगर? यस सर। जब हम C1 लिखेंगे तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया में AX डिवाइडेड बाय D, क्या सही है? एरिया में AX लेंगे, डिस्टेंस D लेंगे, K1 लेंगे। जब हम C2 लिखेंगे तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया में AY और डिस्टेंस में लिखेंगे D1, एरिया में लिखेंगे AY, डिस्टेंस में लिखेंगे D1, सही है? Yes। और जब हम C3 लिखेंगे तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट K3 एरिया में लिखेंगे AY, डिस्टेंस में लिखेंगे D2, देखो तो अच्छे से, क्या सही जा रहा है? So, जब भी स्लैब रहेगा आपको इसी तरह से सोचना है, देख के बताइए, ये कैपेसिटर का दो प्लेट्स, यहां K1 है, यहां K2 है, यहां K3 है, बोलो कौन सीरीज कौन पैरेलल? K3 K2 सीरीज K1 पैरेलल। गलत, देखा नहीं, ऊपर और नीचे वाले प्लेट के बीच ये डिस्टेंस है। अरे नहीं समझा, सीरीज में और लो सर, K3 और K2 पैरेलल है और K1 सीरीज है। हाँ,
C2 और C3 पैरेलल है और C1 सीरीज है। यस सर। क्या ये समझे? ये C2 है, ये C3 है और ये C1 है। अपना सॉल्व करके सोचना, ठीक है? चलो नोट करो फटाफट।